बिहार इन शॉर्ट्स, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वत्सला सिंह के प्रताड़ना के लगाए गए आरोप के बाद जमुई के जिलाधिकारी धर्मेंद्र सिंह के परिवार ने भी चुप्पी तोड़ दी है। धर्मेंद्र के पिता भूषण सिंह ने शुक्रवार को कहा कि 2.5 साल तक बेटे ने बहू को साथ रखने की पूरा जोर कोशिश की, लेकिन उसने पति को छोड़कर फैशन को अपनाया। उन्होंने कहा कि उसे दिल्ली का फैशन और मॉडर्न कल्चर अच्छा लगता है। सारे प्रयास विफल रहने के बाद धर्मेंद्र सिंह ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दी है। वत्सला भी यही चाहती है, लेकिन उसके मायके वाले मामले को दूसरा रूप दे रहे हैं। धर्मेंद्र के चरित्र पर लांछन लगाया जा रहा है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि बेटा एक जिम्मेदार पद पर है, न्यायालय का वो सम्मान करते हैं, इसीलिए मीडिया में बयानबाजी नहीं करना चाहते। दूसरा मामला पारिवारिक है। वह एक सामाजिक व्यक्ति है, अपने मुंह से घर की बातें को बाजार की चर्चा नहीं बनना चाहते हैं। धर्मेंद्र के पिता ने कहा कि धोखे में रखकर बीमेल शादी कराई गई, इस कारण आज पूरे परिवार को प्रताड़ित होना पड़ रहा है। बहू वत्सला सिंह को बिहारी और घटिया लगाते हैं। सास ससुर को वह गवार समझती है। वो चाहती है कि धर्मेंद्र माता पिता को छोड़कर उसके साथ रहे और सास ससुर को ही माता पिता माने। पटना स्थित घर में उसने कभी रहना नहीं चाहा, हमेशा मायके चली जाती है। धर्मेंद्र के पास पर्याप्त साक्ष्य है कि वत्सला खुद तलाक लेना चाहती है। वह कहती थी कि माता पिता की जिद के कारण शादी की है। उन्होंने साक्ष्यों को संबंधित पदाधिकार की समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। धर्मेंद्र ने जब कोर्ट में तलाक की अर्जी दायर की, तब सोची समझी साजिद के तहत वत्सला ने पाटलिपुत्रा थाने में प्रताड़ना की शिकायत दर्ज करा दी। जांच के बाद पटना पुलिस ने वत्सला के आरोपों को असत्य पाया। इस संबंध में 6 माह पहले ही पुलिस ने रिपोर्ट सौंप दी। वत्सला और उसके परिवार के लोग जमुई जिलाधिकारी के सरकारी आवास के बाहर बैठकर पारिवारिक मामले को उछाल रहे हैं। माना जाता है कि वो नए केस में फंसाने की साजिश रच रहे हैं। पति और ससुराल वाले पर मुकदमे की साजिश करने वाली लड़की के साथ धर्मेंद्र कैसे रह सकता है, यह समझने की बात है। बिहार इन शॉर्ट्स, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।